हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन और सैमसंग गैलेक्सी A34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे करें और कैसे अपने फ़ोन में क्लॉक टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप कर दी ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाते जो भी हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कैसे करेंगे, तो सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है, देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है और क्लॉक टाइमिंग को आप सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सिंपली आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स पे जब आप टैप करते हैं तो इस पे जाकर आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। सिंपली इस पे टाइमिंग सेटिंग्स पे जाना है और जो भी टाइम बार आप सेट करना चाहते हैं होम स्क्रीन क्लॉक का, तो यहाँ से कर सकते हैं स्लाइडिंग करके। जो भी टाइमिंग आप AM NPM करके सेट करना चाहें तो डन करके सेट कर सकते हैं, और आपका जो भी टाइमिंग है होम स्क्रीन क्लॉक का तो सेट कर सकते हैं और टाइमिंग भी आप सेट कर पाएंगे। एंड आप देख सकते हैं कि डेट वगैरह भी चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। जो भी डेट वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं, डन करते ही डेट भी आपके फ़ोन में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग सेट कर सकते हैं मैन्युअली। आप ऑटोमेटिकली सेट करना चाहें तो इसको ऑन करके जो भी टाइमिंग है होम स्क्रीन क्लॉक का ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, और ऑफ़ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सेट नहीं होगा। तो इस तरीके से भी होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को सेट कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी A23 A34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब।